अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। ये क्या किया बच्चा लोग ने? लगता है इन लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। रुकिए आप, मैं इनका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। हमने कहा ना, शेख साहब को उंगली पसंद नहीं। मैडम, शेख साहब आते ही होंगे, आप बाहर जाकर तैयारी करो ना। यहाँ बच्चों को भी तैयार करना, कहीं ऐसा ना हो कि डील कैंसिल हो जाए। हाँ, इन पर ध्यान रखो, चलो। सॉरी दीदी। सॉरी चाची। दीबू, एक हार पर इतना नहीं रोते हम, है ना? हम तुम सबको यहाँ से बाहर निकालेंगे, सबको। नंदिनी, हमें माफ करना। अम्मू की जिंदगी ठीक करने के लिए हमने तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगा दी, पर तुम परेशान मत हो। एक बार अम्मू को उसका अधिकार मिल जाए, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। फिर तुम और अजय एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। अजय जी, जल्दी बाहर चलिए, मतलब कोई देख लेगा। मैडम, मालकिन ने कहा है कि शेख साहब को बुलवा के आप बच्चे पसंद करवा लीजिए, और वैसे ही बच्चे इसी कमरे में है ना? हाँ हाँ, हाँ अंदर ही है, हम शेख साहब को कॉल करती है। ठीक है। रजत जी, आप जल्दी से बाहर जाइए और बच्चों के निकलने का नया रास्ता ढूंढिए, फिर हम सारे बच्चों को उधर ही भेजेंगे। ठीक है, लेकिन तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। कौन है वहाँ? ऐसा क्यों लगा कि यहां कोई बात कर रहा है? और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। हाँ, फिलहाल आप बाहर जाइए और दूसरा रास्ता ढूंढिए, फिर हम सारे बच्चों को उधर ही भेजेंगे। ठीक है, ध्यान से। हाँ
तुम सब ठीक तो हो ना? सुनो, तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आ गए हैं। अब बस थोड़ी देर में हम तुम सबको यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर कैसे निकलेंगे दीदी, हम सब तो कितने छोटे हैं। छोटे हो पर खोटे तो नहीं हो ना? अब तुम हमें बताओ, ये कितनी उंगली है? ये तो एक उंगली है। और ये कितनी? ये तो दो उंगली है। ठीक वैसे ही 1, 2, 3, 4 और एक अंगूठी का मिलाकर बनती है एक मुट्ठी, जिसमें बहुत ताकत होती है। वो ऐसे घिसम घिसम कर दीवू, जैसे हनुमान जी अपनी सेना के साथ मिलकर सारे राक्षसों को मजा चखाए थे ना, ठीक वैसे ही हम भी अपनी सेना के साथ मिलकर इन सबको मजा चखाएंगे और जीत कर जाएंगे। और हाँ, एक और बात, हिम्मत नहीं छोड़नी है और डरना भी नहीं है। सब हमारे साथ मिलकर बोले, क्या सब हमारा साथ देंगे? हाँ, देंगे। ये हुई ना बात। अब चलो हमारे साथ साथ बोलो कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे। हम यहाँ से बाहर जाएंगे और इस बच्चा चोर वाली गैंग को मजा चखाएंगे। हाँ, बड़ा मजा चखाएंगे। मैडम आप जाइए बच्चों को लेकर। अच्छा हुआ मूल और बच्चों को अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं। आह, इतनी देर से तो मुझे बेवकूफ बना रही थी। आह, तू उन बच्चों को भगाने वाली थी ना? देख अब मैं तेरा पत्ता कैसे साफ करती हूँ। हमको सारा बच्चा पसंद आया। बता बता, किसके साथ आई है यहाँ? बता हाँ, ऐसे खतरनाक जगह पर तो अकेली तो नहीं आ सकती। बता किसके साथ आई है? अरे बोल। पकड़ो इसे। छोड़। बच्चों को छोड़। घर नीचे करो सब। मैंने कहा घर नीचे करो वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। बल्ला बल्ला, पीछे हटो पीछे हटो, हमको इतने जल्दी नहीं मरना। और तुम मैडम, मोल को छोड़ो, छोड़ो अनमोल और बच्चों को। जो बोलता है करो ना, हमारी जान खतरे में। अरे छोड़ो वरना इसको तो मैं अभी मार दूंगा, बता रहा हूं। दबे, नहीं नहीं जाता। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा यहाँ, बता दे रहा हूं मैं। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर ले, छोड़ी दे। बच्चों सब लोग निकलो यहां से, निकलो। अरे जाओ, छोड़ अनमोल को,
बोल, बच्चों को लेकर निकलो यहाँ। ए छोड़ उसे। ए रुको सब, कोई कहीं नहीं जाएगा। तूने एक ऑफर दी थी ना, अब मैं एक ऑफर देती हूँ। तुझे इस बच्चे को बचाना है या इस लड़की को? इस शेख को मारना है तो मार दे। बाबा तुमको क्या हो गया है? तुम हमारा जान दांव पे लगा रहे हो। अरे तो चुप कर, तेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी बता मुझे बच्चे चाहिए या ये लड़की? रजत जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए और इन बच्चों को यहाँ से लेकर जाइए। इन ननी जानों को बचाना ज्यादा जरूरी है, जाइए। नहीं अनमोल, मैं ऐसे नहीं जा सकता। देखा हमारे बच्चों का? चुप कर, रोक इनको। नहीं तो देख, दीवो करो करो। अरे ए रुको बच्चे, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बच्चा उठाओ आंटी, बहुत परेशान किया ना आपने हमारे बच्चों को और उनके परिवार वालों को। मन तो कर रहे कि तुम्हारा गला यही काट कर तुम्हारे हाथ में रखते, पर नहीं, तुम्हें सजा कानून देगा। अब चुपचाप खड़ी रहो यहाँ, वरना बच्चों जल्दी बाहर निकलो, जाओ। बच्चों चलो, बैठा रहे तू, नीचे नीचे बैठा रहे। बच्चों चलो, चुपचाप खड़ी रहो। अनमोल चलो। नहीं रजत जी, आप जाइए, हम आते हैं। और हाँ ध्यान रहे, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, जल्दी जाइए। अनमोल चलो। रजत जी जाइए, सबको निकालिए यहाँ से। ठीक हो ना आप लोग? इंस्पेक्टर साहब, जो इनकी मेन लेडी है वो अंदर है, उसे जाकर पकड़िए फटाफट। जी चलो अंदर। मैम आप बच्चों को लेकर बाहर जाइए। दीपू बेटा, थैंक गॉड बेटा तुम ठीक हो। पता है पापा कितने डर गए थे। बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारे पापा जीते जी मर जाते। प्रिंसेस, बच्चा आप ठीक हो ना? चाची और पापा ने मुझे बचा लिया। रमन, दीवू को लेकर घर जा, मैं अनमोल को लेकर आता। नहीं भाई, दीवू को लेकर आप जाइए। नहीं रमन तू जा। भाई मैं अनमोल को लेकर आता हूँ। अनमोल, यार अनमोल कहाँ चली गई? अनमोल, इंस्पेक्टर साहब आपने अनमोल को कहीं देखा? अंदर तो कोई नहीं है, हम सबको निकाल लिया है। कोई नहीं है? सर अनमोल अंदर नहीं है, अनमोल बाहर नहीं है, तो कहाँ गई वो? अनमोल सर्च करो। अनमोल, अनमोल कोई निकालो हमें यहाँ से। रजत जी कहाँ हैं आप? यहाँ तो बहुत ठंड है। अनमोल,
अमोल अनमोल कहां हो तुम? अनमोल ऐसे अचानक से कहां चली गई तुम? अनमोल रिशद जी बचा लीजिए हमें। थैंक गॉड ऐसा मिल गई। माँ चलिए खोलिए मुझे, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। अब बुआ की तरफ क्या देख रही है? खोलिए मुझे, मेरी बेटी मुझे ऐसे बंधे में नहीं देख सकती। मृदुला गलत फहमी में रहने की जरूरत ना है कि दिव्यासा तुम्हें देखेगी। तुमने हमारे पूरे परिवार को जेल में भिजवाया था ना, अब देखो इस घर को तुम्हारे लिए जेल बनाते हैं। अनमोल मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हारे लिए, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। अनमोल देखो अगर तुम कहीं आसपास हो तो मुझे आवाज दो, कुछ तो करो ताकि मुझे पता चले कि तुम यहां हो। भगवान जी हमें रजत जी को अपने दिल की बात बताए बिना नहीं मरना, बस एक बार आई लव यू बोल दे उसके बाद उठा लीजिएगा। नहीं आप मुझे मेरी बेटी से मिलने से नहीं रोक सकती। मृदुला अपनी बेटी के बारे में जानने का हक था तुम्हारा, इसीलिए तुम्हें बता दिया कि दीवु मिल गई है, उसे रजत और अनमोल ने बचाया है, इसीलिए अब तुम दीवु से नहीं मिल सकती। अनमोल निकालो हमें यहाँ से, वरना थोड़ी देर में हम गुल्फा बन जाएंगे। अरे वाह काफी शक्तिशाली हैं हम तो, इतना मोटा दरवाजा खोल दिया। रजत जी अनमोल अनमोल तुम यहां क्या कर रही हो? किसने किया ये? वो बच्चा उठाओ, आंटी ने हमें यहां बंद किया है, वो बहुत खतरनाक है। मतलब वो अभी भी यही है? तुम दोनों की वजह से मैं बर्बाद हो गई, अब दोनों मरो अंदर। देख मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खोल। चाची हमारी वजह से आप भी फंस गए। मृदुला अगर तुमने दीवो के सामने कोई भी तमाशा किया या दीवु से मिलने की कोशिश की तो हम दीवु को तुम्हारा सच बता देंगे कि वो डॉल जिसने दीवु का अगवा किया था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी। वो मैडम हमें अंदर बंद करके चली गई, मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है।
रजत जी, कैसे निकले हम यहाँ से? अनमोल, मैं कैसे भी करके दरवाजा तोड़ना होगा, इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये दरवाजा इतना मोटा है कि इसे तोड़ने के लिए कोई चीज चाहिए। कोशिश करते पीछे संभल के। ये क्या किया आपने? एक मिनट। आप इतना खून बह रहा है। एक मिनट हम आते हैं। यहाँ तो दवाई का बक्सा भी नहीं है।